हेलो गाइस, मैं हूं जतिन सोलंकी और आप देख रहे हैं जतिन एडिट्स। तो आज हम देखने वाले हैं मेरे पुराने वीडियोस, मैं उसके ऊपर रिएक्ट करने वाला हूं। उस टाइम में मैंने जिस टाइप की एडिटिंग की थी, अलग अलग एप्स मैंने उसमें यूज की थी, लाइक काइंड मास्टर है, इनशॉट है, क्विक है, वीवा वीडियो। 2017 से मैंने वीवा वीडियो में स्टार्ट किया था, तब की है वीडियो है और कुछ 5 मिनट की वीडियो है और मैंने कुछ 20 से 30 क्लिप्स लेके मैंने ये वीडियो एडिट की थी उस टाइम में फोन पे। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि वो मेरी डांस की चैनल थी एक्चुअली। 2017 में मैं वहाँ पे वीडियोस अपलोड करता था, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया आई मिस यू जतिन सोलंकी करके। डांस की वीडियोस तो अपनी डालता, बट हाँ मैं एडिटिंग में अभी हिल्स फील्ड में अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ एडिटिंग में, तो मैंने डांस छोड़ दिया बट ये अभी कंटिन्यू है। जैसे कि गाइस, मैंने आपको बताया कि तब मैं फ़ोन में यूज़ करता था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था आज से 2 साल पहले। और उससे भी थोड़े पुरानी बात करूँ तो मैंने वीवा वीडियो में ये वीडियो एडिट किया था, सब कुछ फ़ोन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कौन कौन से इफेक्ट्स यूज़ किए हैं। ये जो फ़ोन में मतलब इन बिल्ड इफेक्ट्स आती है ना, वही मैंने इसमें यूज़ की हुई है। ये सब मेरे स्कूल्स के डांस हैं, कुछ कॉलेज के हैं, तो वो सब मैंने एडिट करके पूरी लंबी वीडियो बनाई थी मैंने तब 5 मिनट की। और तब 5 मिनट बनाना मेरे लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट था, बट यस मुझे पहले से बहुत एडिटिंग पसंद थी। मैं पहले विंडोज मूवी मेकर में एडिट करता था 2013 में, उसके बाद वीवा वीडियो में मैंने 2017 में एडिटिंग शुरू की। ये पूरा वीडियो है मेरी डांस के चैनल पे, बट मैं पूरा तो नहीं दिखा सकता। ये मेरे कॉलेज का सीन है, ये भी पूरा वीडियो है वहाँ पे। तो यस, चैनल की प्रमोशन तो नहीं करूंगा, बट अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है और डांस के वीडियोस देखने हैं तो आप देख सकते हैं। मैं खुद ही हूँ उसमें। बस यही ईवी डैमेज टाइप की मतलब, हाँ एक चीज है, मैन्युअली कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत उसमें रेडीमेड इफेक्ट्स आती हैं उसको बस ऐड किया है मैंने स्कूल्स वगैरह में। और ये यहाँ पे फिल्टर देख सकते हो आप, ये एक म्यूजिकल शो में मैंने परफॉर्म किया था तो उसमें बस ये ओवरलेज यूज की हुई है, बट तब मुझे पता नहीं था कि उसको ओवरलेज बोलते हैं। तो और जैसे कि अभी आपने मतलब देखा, थंडर टाइप जो है, वो जो बिजली गिर रही है, ये इफेक्ट रेडीमेड आती है उस ऐप में उस टाइम में 2017 में। वीवा वीडियो की बात कर रहा हूँ, ओवरले टाइप मतलब इफेक्ट सब आती है तो आपको सिर्फ ऐड ही करना होता है बस। तभी भी मतलब थोड़ा दिमाग था तो दिमाग लगाया मैंने और वीडियो बनाई है। पूरी वीडियो आप देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आपको देखा है और मतलब आपको डांस पसंद है तो देख सकते हो। ये देख सकते हो, ये बारिश है, ये सब मतलब ओवरलेज वगैरह है, ये भी ओवरलेज है, यहाँ पे भी ओवरलेज मैंने यूज किया हुआ है। डांस का फुल फॉर्म है, जस्ट मैंने टेक्स्ट ऐड किया है और ब्लैक सॉलिड लिया है और उसमें उसको ट्रांसपेरेंसी दी है ओपेसिटी 50 करके। वो फोन में भी हो जाता था तो वो मैंने इसमें यूज किया है। फिर यहाँ पे एक इफेक्ट आएगी जो रेडीमेड उसमें आती है, देखो देख रहे हो आप, 1 2 3 और ये स्टार्ट, ये बिजली गिर रही है। ये मतलब विथा म्यूजिक में नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से, खुद की चैनल से मैं खुद को स्ट्राइक तो नहीं मारूंगा बट ऐसा भी हो सकता है। म्यूजिक के साथ देखना आप लोग, मतलब बहुत मजा आएगा। यहाँ पे भी ये इफेक्ट डाली हुई है, ये वही मतलब विंटेज जो पुराने टाइप की आती है, येलोइश टोन में, वार्म टोन में। ओके गाइस, तो ये हो गया वीवा वीडियो में जो मैंने एडिटिंग की थी 2017 में, वो है, इसका नाम है डीजे सम हिडन स्टोरीज। जितने भी मतलब वीडियोस थे मेरे पास, मैंने सब इकट्ठा किए और उसको मैशअप किया और फिर बाद में मैंने उसको एडिट किया। तो 20 से 30 वीडियोस थे शायद, ज़्यादा तो भी मेरे को वो आया था मुझे, तो मैंने वो एडिट किया था। तो सेम इसके 3 पार्ट मैंने डिवाइड किए हैं। 4th है जो फाइनल, वो तो मेरे एडिट के चैनल में डाल दिया बाद में, जो आई मिस यू करके है वो पूरा लॉन्ग वीडियो। और ये 1 है, अब पार्ट 2 देखते हैं। ओके गाइस, तो ये डीजे पार्ट 2 है, इसमें मैंने काइंड मास्टर में यूज़ किया था और 1080p का सपोर्ट मिल गया था मुझे और थोड़े बहुत यूट्यूब के ओवरलेस थे। तो आप देख सकते हो इसकी स्टार्टिंग कितनी अच्छी लग रही है, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, कोई टेम्पलेट नहीं है, कोई लोगो यूज़ नहीं किया, जस्ट सिंपल PNG है। फिर टेक्स, फिर थोड़े बहुत उसके खुद के ओवरलेस, और हाँ इसमें मैंने क्विक भी यूज़ किया है ट्रांजिशन के लिए। क्विक ऐप आती है, आप वो यूज़ कर सकते हो, उसमें आप अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट्स डायरेक्ट आपको म्यूजिक ही डालना होता है, वो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मैं फ़ोन में अभी भी कभी कभी मतलब छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ तो क्विक ऐप है वो मैं यूज़ करता हूँ। बीच में ये फ्लिकर भी आप देख सकते हो, वो मैंने काइंड मास्टर में किया है। जूम इन जूम आउट, तब मुझे आइडिया नहीं था कि मोशन ब्लर क्या होता है, जूम इन जूम आउट क्या होता है, बस इतना आइडिया था कि कुछ ट्रांजिशंस वगैरह होते हैं मोबाइल एप्स में, तो बस जस्ट मैंने ट्रांजिशन दिखे और उसमें ऐड कर दिया काइंड मास्टर में जो रेडीमेड आते हैं वो।
देख सकते हो मेड विथ काइन मास्टर। मैंने प्रो भी नहीं मतलब वही यूज करता था पहले, तो मुझे पता भी नहीं था। बट हाँ, मैंने क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखी अपने वीडियोस की, तो मुझे 1080 का सपोर्ट मिल गया था, थोड़ा ज्यादा मजा आता था एडिट करने में। फिर पता चला कि फोन में 60fps का सपोर्ट भी मिलता है, तो आप उसमें स्लो मोशन कर सकते हो। तो काइन मास्टर में वो भी मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट में और एंड में स्लो मोशन ऐड करता गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लिकर्स आ रहे हैं, ओवरलेज यूज किया हुआ है, यूट्यूब का PNG है, देखो यहाँ पे भी मैंने ओवरले यूज किया है। इसलिए ऐसा नहीं है, बहुत चीजें हो जाती है फोन में कि जो लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि एडिट नहीं कर सकते, तो मैं फोन में ही एडिट करता था। मैंने ऑलमोस्ट 2017-19 तक मैंने उसमें एडिटिंग किया, 19 के बाद मेरे पास लैपटॉप आया, और बाद में मैंने प्रीमियर प्रो में थर्ड पार्ट है वो प्रीमियर प्रो में एडिट किया है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फ्लिकर वापस आ रही है, जूम आ रहा है, जूम इन आ रहा है, जूम आउट, तब मुझे पता भी नहीं था कि इसको मतलब ऐसा बोलते हैं। अगर मतलब आपको पूरे वीडियोस देखने, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लिक करके देख लेना, मतलब आपको अच्छा लगे तो। आपको इफेक्ट्स देखनी है मैं कैसे मतलब फ़ोन में एडिट करता था, वो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। बस यही है, ओवरलेज वगैरह, फ्लिकर, ऐसी सब इफेक्ट। ये देखो कितना सिंपल वीडियो है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, बट क्लासिक लग रहा है क्योंकि सिनेमेटिक बार्स डाले हुए हैं उसमें। तो फ़ोन में शूट किया और फ़ोन में एडिट किया हुआ है, तो किसी को लगता भी नहीं है, बट बहुत अच्छा, दूर से बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो आप वो कर सकते हो। तो गाइस ये पार्ट टू था जिसके लिए मैंने काइन मास्टर यूज़ किया था, वन में वीडियो किया था, और थर्ड में 19 में मेरे पास लैपटॉप आ गया था प्रीमियर प्रो में, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग में पता ही चल जाता है कि नहीं, लोगों में अलग दिख जाता है, क्वालिटी में डिफरेंस हो जाता है कि नहीं भाई किया है लैपटॉप में। यहाँ पे मैंने सेबर यूज़ किया था लोगों के लिए, तब भी मेरे पास ट्विक्स्टर तो नहीं था, मतलब आइडिया ही नहीं था मुझे 19 में ट्विक्स्टर का कि स्लो मोशन प्लगइन है। इसमें भी मतलब फ्लिकर से स्टार्ट किया धीरे धीरे, ओपेसिटी दी हुई है, स्लो मोशन थोड़ा बहुत यूज़ किया हुआ है। और हाँ, ये मेरी एक चैनल थी जो ऑलरेडी डिलीट हो गई थी, जिसके ऊपर मैं एडिट करके वीडियोस डालता था। हाँ, मोनेटाइजेशन ऑन होने वाला था, बट कुछ रीजन से नहीं हुआ, और तीन स्ट्राइक आ गई तो चैनल डिलीट हो गई। तो उसके बाद मैंने मेरी डांस की वीडियो में ट्राई किया कि हो जाए, उसमें भी एक बार मैंने सेंड किया, नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी कुछ एक कॉपीराइट दो स्ट्राइक आ गई थी, तो तीन का मैं रिस्क नहीं ले सकता था, तो मैंने मतलब पुराने वीडियोस जितने भी थे वो डिलीट कर दिए थे, तो वो चैनल भी डेड हो गया। दूसरी तीसरी ट्राई भी फेल गई, तब जाके मैंने एडिट वाले पेज में अप्लाई किया, उसमें भी नहीं हुआ। फोर्थ में, फिर फिफ्थ में जब मैंने ट्यूटोरियल्स बनाने स्टार्ट किए, तब जाके मैं अच्छा ग्रो हुआ, और ट्यूटोरियल्स मेरे अच्छे व्यूज़ आए उस पर, तो थोड़ा बहुत टाइम मिला, और तब जाके अभी एक्सेप्ट हुआ है। हार मत मानिए आप कि आपकी चैनल मतलब आपका वॉच टाइम खत्म नहीं होता, तो वेट कीजिए, थोड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि ये मेरी कुछ फोर्थ या फिफ्थ ट्राई थी मोनेटाइजेशन की ऑन करने के लिए, जो मैंने सेंड किया था तो उसमें रीयूज कंटेंट आ गया था। एक तो है कॉपीराइट क्लेम तो चलेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि आपको सब वीडियो क्लीन रखने पड़ेंगे और खुद के रखने पड़ेंगे, तो उसका एक ध्यान रखना। हार मत मानना, बस जो आप कर रहे हो वो करते जाओ, और थोड़ा बहुत कॉपीराइट क्लेम से बचो और कॉपीराइट स्ट्राइक से बचो, खुद का वर्क करो, वरना आप कितनी भी ट्राई कर लोगे नहीं होगा, मतलब बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। और मैंने भी कुछ 4 से 5 बार ट्राई की है, तब जाके हुआ है, और 2-3 साल निकल गए हैं इसमें मुझे ये सब करते करते, तो अभी जाके हुआ है। तो मेरा तो थैंक यू आप सब लोगों को, आपकी वजह से ही ये ऑन हुआ है, और हमें इतना आ गया है, और 20K होने वाले हैं, तो जल्दी से 20K भी कराओ। 20K के बाद मैं गिवे करने वाला हूँ वापस, CC ट्रांजिशन वगैरह सब कुछ देने वाला हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और गिव अवे के लिए रेडी रहना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तब मुझे पता नहीं था कि इसको फ्लिकर बोलते हैं। मैं ओपेसिटी प्लस डाउन से मैं एडिट करता था, मुझे पता नहीं था कि इसको ओपेसिटी बोलते हैं, तो फिर बाद में मुझे पता चला कि इसको फ्लिकर बोलते हैं। आफ्टर इफेक्ट में प्लगइन आता है जो डायरेक्ट उसको फ्लिकर आप वैल्यू दे सकते कर सकते हो, पर ये मैंने मैन्युअली किया हुआ है इस वीडियो के एडिट में, मैंने मैन्युअली किया हुआ है ये सब कुछ। फिर सीन बहुत एक्सचेंज किए हुए हैं, लेयर्स को अप डाउन किया है, कट किया है थोड़ा माइनस, सेम सीन जो है वो मैंने अप डाउन करके कट किया हुआ है और अरेंज किया है, लाइक लेयर 1, 2, 3। ये भी सिंपल ही है, इतना कुछ है नहीं, क्योंकि न्यू लैपटॉप आया था और मुझे जस्ट एडिट करके डालना था। तो CC भी मैंने इसमें CC भी नहीं किया है, तो मैं भूल गया था बाद में। थोड़े व्लॉग्स वगैरह भी डालता था सिनेमेटिक, फ़ोन में वीडियो शूट करके भी वहाँ पर डालता था, बट वहाँ पर मुझे इतना मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना इस चैनल पर अभी मिल रहा है मेरे कंटेंट को, लाइक व्लॉग है, ट्यूटोरियल है, तो अभी मतलब अच्छा लगता है सब कुछ एडिट करना और आपके साथ सब कुछ शेयर करना।
तो बस यही था, ये थर्ड पार्ट था जो मैंने प्रीमियर प्रो में एडिट किया था, और ये लास्ट पार्ट है। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने अपने खुद के चैनल पे एज अ ट्रिब्यूट वीडियो डाला था कि मुझे उस चैनल पे वीडियोस डालना बहुत अच्छा लगता था, डांस करना अच्छा लगता था, और आज भी मैं अपने डांस को मिस करता हूँ क्योंकि एडिटिंग वगैरह में जाने के बाद मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इतना, और थोड़ा अफसोस भी होता है कभी कभी कि मतलब डांस करना और उसके वीडियोस एडिट करना मुझे दोनों बहुत पसंद था, फिर बाद में पता चला कि नहीं यार, बाद में कि एडिट करना ज़्यादा पसंद है। और कंटिन्यू में ऐसा नहीं हूँ, डांस भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, बट बाद में मैंने एडिटिंग चूज़ किया और स्टिल अभी मैं एडिटिंग ही कर रहा हूँ। और अभी तक तो कोई आइडिया आया नहीं है, 5-6 महीने हो गए बट मैंने एक भी डांस का वीडियो डाला नहीं है। अगर आपको मेरी एडिटिंग अच्छी लग रही है और मेरे डांस के वीडियोस भी आप देखना चाहते हो, आप डालो न्यू डांस की वीडियो, तो मे बी आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं शायद डाल सकता हूँ, और उसमें मैं मतलब एडिटिंग भी आप देखोगे और मेरी डांसिंग भी देखोगे। क्या मुझे मतलब वीडियोस डालने चाहिए डांस के उस चैनल पे और आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और बताना कि मतलब आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मतलब इन्जॉय करने में मजा है, लाइक वीओ वीडियो, काइन मास्टर, प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट। ये मेरी फोर्थ स्टेज है मेरी, जो मैंने 2017 से स्टार्ट किया था, वो मैंने पूरी टाइमलाइन आपको दिखा दी कि मैंने ऐसे एडिटिंग सीखना शुरू किया था। तो आप भी धीरे धीरे ऐसे एडिटिंग कर सकते हो, कमेंट्स में बताना गाइस कि कैसा लगा है। और हाँ, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। Wait, are you a redditor and you're a Discord admin? कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर टेलीग्राम की लिंक भी मैं डाल दूंगा, ये वे इसकी लिंक्स भी मैं उसमें डाल दूंगा, फ्री प्लगइन्स, प्रीसेट्स वगैरह मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, और अगर आपको ये पूरी वीडियोस मेरी देखनी है डांस की तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि किस टाइप की मैंने एडिटिंग फोन से की थी। थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।